नमस्कार प्यारे बच्चों, पूर्व में हमने लखनवी अंदाज पाठ में पढ़ा कि किस प्रकार लेखक नवाब साहब से सेकंड क्लास के डिब्बे में मिलता है और नवाब साहब उनसे संगति में जरा भी उत्साह नहीं रखते। खीरे को लेकर के वो नवाब साहब को भी थोड़ा सा अचकना सा लगता है और खीरे के बारे में नवाब साहब थोड़े से सचेत से हो जाते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की के बाहर देखकर गौर किया, दृढ़ निश्चय किया कि खीरे नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछाया, सीट के नीचे से लोटा उठाकर, कहने का तात्पर्य उन्होंने खीरे लिए, उनको धोया, पोंछा और अपने तौलिये पर रख लिया। उनको भली भांति से उन्होंने छीला, काटा, उस पे नमक मिर्च और जो मसाला था जो पुड़िया में उनके पास था उसको अच्छे से पुरख लिया। अब उन्होंने बहुत ही करीने से उनको सजा ही लिया था और हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल से अपनी असलियत पर उतर आए हैं। लेखक सोच रहे हैं कि नवाब साहब कहने में तो रईस हैं, लेकिन खाते क्या हैं? खीरा। ठीक है, इसके बाद नवाब साहब ने एक बार हमारी ओर देखा, वल्ला शोक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। शिष्टाचार के नाते नवाब साहब ने लेखक से पूछा कि जो खीरा है वो लखनऊ का बालम खीरा, एक खीरे की जो है क्या कहें कि हम वो है किस्म है वो है, मतलब बहुत ही अच्छी किस्म का खीरा है और खाने के लिए उन्होंने पूछा, लेकिन लेखक ने जो है मना कर दिया। इसके बाद देखिए, नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से, मतलब ललचाई आंखों से, नमक मिर्च के संयोग से चमकती हुई फांकों को, मतलब नवाब साहब ने उनकी आंखों में उसे खाने के लिए वो लालायित दिखे और उन्होंने खीरा उठाया, मुंह तक लाए और एक एक करके होठों तक लाए और फांकों को सूंघा, स्वाद लिया और स्वाद से उनकी आंखों की जो पलके हैं वो भी मुंदने लगी। लेकिन किया क्या उन्होंने, उन्होंने एक एक करके खीरे की जो सब फांके थी उनको तौलिए पर से उठा करके खिड़की से बाहर फेंका और तौलिए से हाथ होठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से लेखक की ओर देख करके कह रहे हैं कि यह तो खानदानी रईसों का तरीका है। बच्चों, हम यहां आकर के पाठ के केंद्रीय भाव की ओर बिल्कुल सही दिशा में पहुंच जाते हैं कि नवाब साहब ने खीरे की पर इतनी मेहनत करी और उसे खाने को लालायित भी दिखे, लेकिन ये दिखाने के लिए कि वो खानदानी रईस है और खीरे जैसी तुच्छ वस्तु का इस्तेमाल नहीं करते, उन्होंने खीरे को एक एक करके सारी फांकों को उठा करके खिड़की से बाहर फेंक दिया और आंखों से यह जताने का प्रयास किया कि वो ऐसी तुच्छ चीजों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। नवाब साहब ने हमारे देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है सकील, नामुराद, मैदे पर बोझ डाल देता है, ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना यही है नई कहानी का लेखक। खीरे की सुगंध, स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकती है तो बिना विचार घटना पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। मतलब कहने का कि लेखक ने देखा कि खाया नहीं खीरा, उससे पहले ही उन्हें डकार आ गई, तो जिस नई कहानी की सोच में लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट लेकर के यात्रा की, तो लेखक को लगा कि जब बिना खाए ही डकार आ सकती है तो बिना विचार के, बिना घटना के और बिना पात्रों के कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती, यह एक तरह का प्रश्न है। तो कहने का तात्पर्य, ऐसा संभव नहीं है, यह केवल एक दिखावा मात्र है। कोरी दिखावे की जो संस्कृति है वो किसी भी दृष्टि से अच्छी नहीं होती, लेकिन इसे लोग फिर भी जो है व्यवहार में लाते हैं, जो कि तनिक भी ठीक नहीं है। धन्यवाद।